हमारे सामने बैठे हैं डॉक्टर विशाल फ्रॉम कोटा, इज़ ए वेरी फैंटास्टिक गाय और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। या डॉक्टर विशाल, मैं डॉक्टर विशाल जैन कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैंने MBBS किया है। मैं कोटा हार्ट में कंसल्टेंट हूँ। मेरी वाइफ डॉक्टर सोनू गर्ग जो कि पीडियाट्रिशियन है, और हम लोग काफ़ी समय से काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस में हैं। और न्यूट्रीलाइट हम जब से हमारे बिजनेस में आया तब से हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हुई है। और न्यूट्रीलाइट की जहाँ तक बात है, मैं शुरुआत बताता हूँ मेरे लिए कहाँ से शुरुआत हुई। मैं एक डायबिटिक पेशेंट था कुछ समय पहले तक, लेकिन अभी मैं नहीं हूँ। और ये थैंक्स टू न्यूट्रीलाइट डेली एंड प्रोटीन, जिसकी वजह से आज मैं काफ़ी अच्छी लाइफ स्टाइल जी पा रहा हूँ। उसके बाद मैंने कई प्रोडक्ट्स के कई सारे यूजेस देखे। उन यूजेस में मैंने ये देखा कि मुझे विटामिन सी के जो रिजल्ट्स थे, स्पेशली विटामिन सी के बारे में ज़्यादा बोलना चाहूँगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मुझे मिले। कोटा जो कि डेंगू का एक बहुत बड़ा हब है, जहाँ बहुत बड़ा एंडेमिक जोन है डेंगू के लिए, इस डेंगू की वजह से यहाँ पे बहुत सारी डेथ कैजुअल्टीज हुई हैं पिछले 3-4 साल से, बहुत ज़्यादा है। और लगभग 40,000 तक पेशेंट पिछले साल देखने को मिले थे हमारे यहाँ। मैंने पिछले साल विटामिन सी का यूज़ किया डेंगू में, और 3 से 4 टेबलेट दिन में 3 से 4 बार दिए। और उसके बाद मैंने ये देखा कि 2 से 3 दिन में डेंगू का पेशेंट बिना किसी वीकनेस के ठीक हो रहा है, और 103-104 फीवर में आने वाले पेशेंट को लगभग दूसरी से तीसरी बार फीवर आई नहीं, जबकि डेंगू में 6 से 8 दिन तक फीवर आती है और दिन में 3 से 4 बार आती है। बहुत ज़बरदस्त वीकनेस डेंगू अपने साथ छोड़ के जाता है। लगभग 1-2 महीने तक डेंगू के पेशेंट में वीकनेस रहती है। और मेरे पेशेंट खुद चल के आते थे मेरे पास, जब दिखाने आते थे तो उनको देख के ये नहीं लगता था कि ये डेंगू का पेशेंट है, जबकि डेंगू के पेशेंट को उठने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। यस। और इसी तरह से मैंने डेंगू विटामिन सी के रिजल्ट्स डेंगू के अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस, और जो जिनको अल्सर की प्रॉब्लम होती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनको हेमरॉइड्स हो जाते हैं, जिनको एनोरेक्टल अल्सर बोलते हैं, और कई लोग इसको सिंपल भाषा में मत्स्य की बीमारी जो बोलते हैं, उसमें भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हम नेचुरल बी और नेचुरल सी के बिल्कुल परफेक्ट यूज़ से इन पेशेंट्स को बहुत जल्दी ठीक किया जाता है। जो बरसों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो पेशेंट 1 से 2 महीने में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, और उनको ठीक होने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। जो 2-4 साल, 6 साल, 10 साल तक मेडिसिन लिए हुए पेशेंट 3 से 4 महीने में बिल्कुल मेडिसिन फ्री हो जाते हैं। और डेली के लिए और प्रोटीन पाउडर के लिए मैं बोलना चाहूँगा, डेली एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो एक सिंपल पेशेंट को, सिंपल एक फिट पर्सन को भी दी जाए तो भी सामने वाला ये बोलेगा मुझे रिटर्न आकर के 1 महीने के अंदर मेरी लाइफ में ये चीज़ अच्छी हुई है पहले से। और प्रोटीन पाउडर हम किसी को भी दे सकते हैं, और प्रोटीन लेने के बाद से हमारी इम्यूनिटी जो इम्यूनिटी में जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है, और इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट के साथ साथ जो हमारा बॉडी का वर्कअप होता है सुबह से लेकर के शाम तक का, उसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है। मेरे लिए वैसे नेचुरल सी सबसे अच्छा प्रोडक्ट है बिजनेस के लिए, और नेचुरल सी के मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट हैं। मैं अगर बोलना चाहूँगा तो मेरे को सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन नेचुरल सी के बारे में अलग अलग रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स है, चाहे वो स्किन इन्फेक्शन हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो, चाहे वो कितना भी सिगरेट से खराब हुआ फेफड़ा हो, उसके फेफड़े को अच्छा करने के लिए 1 से 2 साल विटामिन सी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट लेके आएगा उसके लिए। मैं इसके साथ ही और कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट या कोई आपका केस ऐसा जो काफ़ी हद तक ठीक हुआ हो किसी और प्रोडक्ट से न्यूट्रीलाइट के, कुछ आपके पास शेयर करना चाहेंगे? न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट में मिल्क थिसल का भी मैं एक रोल बताना चाहूँगा। मिल्क थिसल से हमारे एक सोरियासिस का पेशेंट था, लगभग साल भर हमने उसको मिल्क थिसल लिया, उसका सोरियासिस, जनरली डर्मेटोलॉजिस्ट का ये मानना है कि सोरियासिस कभी ठीक नहीं होता। Yes. ये कभी ठीक नहीं होने वाली बीमारी है जिसको सिर्फ आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। और उस पेशेंट को हमने सक्सेसफुली ठीक किया है। और उसका इचिंग और सारे बॉडी पे मल्टीपल रेड पेचेस थे, लगभग 1.25 साल के ट्रीटमेंट के बाद आज वो बिल्कुल ठीक है, और अब हम उसको मिल्क थिसल भी बंद करते हैं। अच्छा, ओके। कोई मैसेज देना चाहेंगे? डॉक्टर्स हमारी टीम में बहुत सारे हैं, 500 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, आपको डॉक्टर के लिए कोई मैसेज? को यही मैसेज देना चाहूँगा कि रिसर्च सब लोगों ने बहुत की हुई पिछले 50 सालों में, अगर साइंटिस्ट को देखेंगे तो बहुत रिसर्च है, बस उनको एक पढ़ने की ज़रूरत है। जो न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में लोगों ने नॉलेज दिए, जैसे विटामिन सी की नॉलेज मैंने डॉक्टर लाइनस पॉलिंग की स्टडी से ली है। लाइनस पॉलिंग जी ने ये कहा था, उनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, 1954 में और 1961 में। उनकी अगर आप विटामिन सी के बारे में उनके जो स्टडीज़ को पढ़ेंगे तो उनसे ये पता लगेगा कि हम किसी भी तरह के कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। 8 ग्राम विटामिन सी की डोज से किसी भी तरह के कैंसर के मेटास्टेसिस को प्रिवेंट किया जा सकता है। और इसी तरह से बुडविक एक साइंटिस्ट है जिनको 8 बार नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुई हैं, और उन्होंने कैंसर के लिए बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स
डेवलप किए थे और उनके खुद की वजह से कई सारे पेशेंट बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन उनकी स्टडीज़ को फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने प्रमोट नहीं होने दिया क्योंकि वो बहुत सस्ती है और फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ इस तरह की को पता नहीं क्यों प्रमोट नहीं करती है, वरना ये बहुत चीप मेडिसिन हैं और इनसे बहुत जल्दी ठीक हुआ जा सकता है और ये कंप्लीट क्योर प्रोवाइड करती है, ना कि सिंपल सिम्टोमेटिक क्योर प्रोवाइड करती है। हम बहुत भाग्यशाली